गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 का पंडित भोलेनाथ का जो कहानी पढ़े थे उसी का आज हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। नंबर 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर क में देखिए, यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में क्या दिया? तो यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में क्या दिया, तो इसका उत्तर होगा, यहाँ से पहले लिखेंगे, यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में बकरी का बच्चा दिया। उसके बाद नंबर ख में देखिए, पंडित जी की किन लोगों से रास्ते में मुलाकात हुई? तो पंडित जी को रास्ते में किन लोगों से मुलाकात हुई? तो पंडित जी को रास्ते में तीन ठगों से, उसके बाद पहले लिखेंगे उत्तर में, पंडित जी को रास्ते में तीन ठगों से मुलाकात हुई, लास्ट में इसको लिख देंगे और ये क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे और पूर्ण विराम दे देंगे। नंबर ग में देखिए, तीनों ठगों ने पंडित जी को क्या बात समझाई? तो तीनों ठगों ने, उत्तर होगा, तीनों ठगों ने पंडित जी को कहा यह बकरी नहीं कुत्ता है। नंबर घ में देखिए, पंडित जी ने बकरी को क्यों छोड़ दिया? तो इसका उत्तर होगा, पंडित जी ने बकरी को कुत्ते का बच्चा समझकर छोड़ दिया। उसके बाद अंगम में देखिए, यजमान ने पंडित जी को क्या समझाया? तो इसका उत्तर होगा, यजमान ने पंडित जी को समझा कहा कि तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया है। उसके बाद नंबर 6 में देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में नहीं आनी चाहिए। एक बार और फिर से समझा देती हूँ। नंबर क में है, यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में क्या दिया? तो हम लोग उत्तर में ऐसे लिखेंगे, यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में, यहाँ तक लिख के उसके बाद लिखेंगे, बकरी का बच्चा दिया। ठीक, उसके बाद नंबर ख में देखिए,
पंडित जी की किन लोगों से रास्ते में मुलाकात हुई? तो इसका उत्तर पहले लिखेंगे, पंडित जी को रास्ते में तीन ठगों से मुलाकात हुई, लास्ट में इसको लिखेंगे। उसके बाद नंबर ग में देखिए, तीनों ठगों ने पंडित जी को क्या बात समझाई? तो उत्तर में लिखेंगे, तीनों ठगों ने पंडित जी को कहा, ये बकरी, यहाँ पे लिख देंगे ये बकरी का बच्चा नहीं नहीं कुत्ता है। उसके बाद नंबर घ में देखिए, पंडित जी ने बकरी को क्यों छोड़ दिया? तो पहले लिखेंगे, पंडित जी ने बकरी को कुत्ते का बच्चा समझकर छोड़ दिया। अंग में देखिए, यजमान ने पंडित जी को क्या समझाया? तो उत्तर में लिखेंगे, यजमान ने पंडित जी को कहा कि तीनों धूर्तों ने आपको ठग लिया है। उसके बाद च में देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखेंगे उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में नहीं आनी चाहिए। इसको आप लोग फेयर करिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में फेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलिए। नंबर टू में देखिए, किसने किससे कहा? नंबर कॉम में देखिए, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। तो ये किसने कहा था? यजमान ने। यजमान ने ही कहा था कि आप इसे स्वीकार कीजिए। यजमान ने, और किससे कहा था? पंडित जी से। उसके बाद देखिए, नंबर ख में, विश्वास नहीं तो रास्ते में किसी और से पूछ लीजिएगा, ये किसने कहा था? ठगों ने, ठग ने, और किससे कहा था? पंडित जी से। उसके बाद नंबर गांव में देखिए, यह बकरी का बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? ये किसने कहा था कि ये बकरी का बच्चा है, ठीक से नहीं दिखाई देता? तो पंडित जी ने कहा था। और किससे कहा था? ठगों से। उसके बाद थ्री नंबर देखिए, पंडित जी यजमान और ठगों की विशेषता बताने वाले दो दो शब्द चुन कर लिखे। यहाँ पे शब्द दिया है, इसको चुन के लिखना है। तो पंडित जी कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं, और एक और क्या होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है? भोला होते हैं। उसके बाद यजमान, यजमान क्या होते हैं? यजमान की क्या विशेषता है? वो दानी होते हैं यजमान, और श्रद्धालु होते हैं। उसके बाद ठग क्या होते हैं? ठग की विशेषता क्या है? वो धूर्त होते हैं और कपटी होते हैं। उसके बाद फोर नंबर देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, क नंबर में,
पंडित जी कंधे पर क्या लेकर जा रहे थे? तो नंबर वन देखिए कुत्ता, नंबर दो में भेड़, नंबर थ्री में बकरी। तो क्या लेके जा रहे थे? बकरी। तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद ख नंबर है, उन तीनों धूर्तों ने पंडित जी को डैश लिया, क्या कर दिया? गोद में, नंबर टू में ठग लिया और नंबर थ्री में पकड़ लिया। तो क्या किया तीनों धूर्तों ने? पंडित जी को ठग लिया। नंबर ग में डैश की बातों में नहीं आना चाहिए। नंबर वन में है पहले, नंबर टू में है दूसरों, नंबर थ्री में है पंडित जी। तो किसकी बातों में नहीं आनी चाहिए? दूसरों की बातों में नहीं आनी चाहिए। इसको आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में शेयर कर लीजिएगा, फिर अगले दिन और आगे पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग बाय।